एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए, सिंगुलर नाउन और प्लुरल नाउन के टॉपिक्स के बारे में। देखिए, कुछ दिन पहले आपको हम बताए थे सिंगुलर नाउन और प्लुरल नाउन में क्या क्या पड़ता है और उसको कुछ एग्जांपल भी हम लोग सीखे थे। आज आपको डिस्प्ले लेकर आए हैं ताकि इस डिस्प्ले से आप समझ सकेंगे कोई भी दिक्कत जो आपका होगा, वो दिक्कत को, वो परेशानी को हम लोग छुटकारा पा सकेंगे, उसका सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, आइए बात करेंगे सिंगुलर एंड प्लुरल नाउन सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी कि सेंटेंस में इस सिंगुलर और प्लुरल नाउन के रिलेशन और इसको हम लोग विस्तार से किस तरह जान सकेंगे वो आपको बताएंगे सिंगुलर नाउन एंड प्लुरल नाउन के बारे में। आइए बात करेंगे। देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस किस तरह बनता है, बात करेंगे सेंटेंस बनने के उपाय के बारे में, सेंटेंस बनने के तरीके, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जिस तरह टेम्पो रिक्शा का तीन पहिए होता है, उसी तरह इसमें भी तीन तरीके से पहिए हैं ताकि आपका सेंटेंस जो बनेगा उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रिलेशन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको होता है, सब्जेक्ट का। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी लगेगा प्लुरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अब उसके बारे में किन किन अवस्था में किस तरह हम लोग जान सकेंगे वो आपको हम आज के वीडियो में बताएंगे, इसको ऑन तक देखिएगा। देखिए, बात करेंगे टू लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंटेंस यू हैव टू लर्न द नाउन। नाउन मतलब हो गया देखिए सब्जेक्ट एंड वर्ब रिलेशन इन डिटेल। आइए बात करेंगे सिंगुलर नाउन के बारे में। सिंगुलर नाउन में क्या होता है कि आपका एक ही इंसान या एक ही कोई चीज़ आता है, अगर वो आएगा तो आप आंसर किस तरह आप कर पाएंगे। देखिए, राम, सीता, ही, सी, ईट, ओ बेबी, ओ चाइल्ड, दिस, दैट। कोई भी चीज़ अगर एक है पास में है तो दिस, कोई भी एक चीज़ अगर दूर में है तो। उसी तरह आइए आगे समझते हैं, मैन, वुमन, ओनली वन थिंग और सब्जेक्ट। मैन मतलब हो गया एक आदमी, वुमन मतलब हो गया एक महिला, और उसमें क्या सब्जेक्ट लगेगा, ये हो गया सब्जेक्ट। तो वर्ब कौन सा लगेगा आपको समझना होगा, वर्ब फाइव डज। देखिए, ये वर्ब फाइव हो गया डज, एग्जांपल दिए हैं इज, हैज और वाज। देखिए, वर्ब फाइव डज का अर्थ हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, इज का अर्थ हो गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ये आता है, बात करेंगे हैज बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, और वाज हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इन सब वर्ब को आप समझ लीजिए कि अगर ये सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन में आएगा तो आपको इन सब वर्बों से आपको यूज करना पड़ेगा, इन सब वर्ब में से ही एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए सिखाएंगे आपको प्लुरल नाउन के बारे में, यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट के बारे में। देखिए देखिए इसमें क्या होगा कि राम एंड सीता, दे, वी, यू, द बेबीज, द चिल्ड्रेन, दीज। ऊपर क्या था आपका, देखिए बता दे रहे हैं, आपका ऊपर था यहाँ पे दीज था तो दीज का दीज हो गया, दैट है तो उसको क्या हो गया, दोज, दैट है तो दोज हो गया, मेन का मीन, वुमेन का वुमेन, टू और मोर देन टू। देखिए आपको बहुत ही आसानी से सिखाएंगे फिर भी, वर्ब वन यानी कि डू, आर, हैव और वेयर, इसमें ए नहीं है, मिस्टेक हुआ गया है टाइपिंग में। देखिए वेयर, बात करेंगे देखिए वर्ब वन और डू हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, आर हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, हैव हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और वेयर हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आपका सेंटेंस बनाना होगा, क्योंकि अगर आप स्कूल में कुछ स्पीच डिलीवर कर रहे हैं या कुछ टॉपिक्स में आप एसे लिख रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ को समझना होगा, परखना होगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, अगर सब्जेक्ट हो गया प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल चाहिए। आगे बात करेंगे, देखिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं। आइए डिटेल में इसको आपको बताते हैं कि इसको समझने के लिए कोई दिक्कत का चीज़ नहीं है। जब तक आप पहाड़ ना चढ़ो ना तो लगता है कि पहाड़ बहुत बड़ा है, लेकिन जब चढ़ जाए तो लगता है कि पहाड़ तो आसान था। देखिए, सिंगुलर नाउन, प्लुरल नाउन। सिंगुलर क्या हो गया कि रिलेटेड टू वन पर्सन और वन आइटम, एक आदमी या एक चीज़ के अगर कोई रिलेट करता है तो हो गया सिंगुलर।
प्लूरल नाउन क्या हो गया कि अगर आपका रिलेशन क्या है, दो से बढ़कर ज़्यादा, यानी कि दो या एक से बढ़कर ज़्यादा बोल सकते हैं, दो तीन चार पाँच, इसमें क्या हो गया, देखिए एक पर्सन से ज़्यादा है और एक आइटम से ज़्यादा है। बात करेंगे देखिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए, आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के जरिए। बुक, यहाँ पे बुक एक ही है, वहाँ कितना है, बुक्स, ज़्यादा बुक है। यहाँ पे क्या है, बॉय, एक लड़का है, बॉयज लड़के लोग हैं। उसी तरह देखिए मैन मेन, गर्ल गर्ल्स, समझ लिए ना। देखिए सिंगुलर वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। कुछ बताते हैं एग्जाम्पल के जरिए आपको बताएंगे। देखिए सिंगुलर कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन। बच्चों आपको आने वाले दिनों में आपको टाइप्स ऑफ नाउन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियलिस्टिक नाउन, आपको हर चीज़ में काउंटेबल अनकाउंटेबल, सिंगुलर प्लूरल, अभी आपके टॉपिक हम लोग क्या है, सिंगुलर प्लूरल है ना। आने वाले दिनों में आपको हर टॉपिक्स में वीडियो बनाएंगे, तो आपको हर कोई दिक्कत अगर रहे तो आपको हम सॉल्व करने के लिए प्रयत्न करेंगे और आपको हर मुश्किलात समय में आपको साथ देंगे। देखिए आपको बताएंगे कि सिंगुलर कॉमन नाउन और प्लूरल कॉमन नाउन, इसमें क्या होगा। देखिए विच, विच मतलब हो गया एक डाइन, विचेस मतलब डाइन लोग के प्लूरल में हो गया बहुवचन में। हॉर्स, उसके पहले देखिए बच्चों अगर यहाँ पे सीएस आएगा, कोई भी वर्ड के अंतिम में अगर सीएस लगा हुआ हो तो आप ईएस कर सकते हैं, ईएस के मतलब आपका हो गया प्लूरल नाउन। आगे बात करें देखिए हॉर्स, हॉर्सेस, कैंडी, अगर ये कॉन्सोनेंट है वाई के आगे तो आपको क्या करना है, आई को वाई को हटाकर आई ई एस रखना पड़ेगा। देखिए आई ई एस। बात करें देखिए लॉफ, एल ओ ए एफ, लॉफ मतलब हो गया ब्रेड। अगर कोई भी आपको वर्ड में यफ आ यफ ही आए तो क्या हुआ, यफ को हटा दीजिए, बी ई एस रखिए, आपको भी सिखाएंगे फिर बाद में। हुफ हो गया, हुफ का हुप्स। देखिए और आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे कुछ और तरीके, ये तो बस एग्जाम्पल है, अभी तो पूरा कहानी बाकी है, ये तो बस ट्रेलर है। देखिए बात करेंगे, मैन का हो गया मेन, वुमेन का हो गया वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। कभी भी देखिए बच्चों चाइल्ड का अगर आप गलती से भी चाइल्ड करेंगे तो गलती हो गया ना, मिस्टेक हो गया, तो क्या करना है, चिल्ड्रेन करना है। आगे बढ़ेंगे बात करेंगे गूज, गूज मतलब हो गया राजहंस जो व्हाइट कलर में होता है, गूज का हो गया गीज। न्यूक्लियस, आप पढ़े होंगे साइंस में, तो क्या हो गया, न्यूक्ली हो गया। फंगस का हो गया फंगाई या फंगी। बात करेंगे बैरिक्स, जो आर्मी लोग का बैरिक्स होता है, बैरिक्स का बैरिक्स ही होगा प्लूरल में। डियर का डियर ही होगा, सिप का सिपी होता है, न्यूज़ देखने में होता है प्लूरल लेकिन न्यूज़ का न्यूज़ ही होता है। और बात करेंगे देखिए अगर बात करेंगे पुलिस, तो पुलिस का पुलिस ही होगा, और कुछ तो नहीं होगा। तो देखिए कुछ जो वर्ड होता है वो चेंज नहीं होगा, आगे जानेंगे आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए किन किन परिस्थिति में आपको समझना होगा कि प्लूरल नाउन बनाने के वक्त आपको किन किन चीज़ों में ध्यान देना है, आपको विस्तृत में बताएंगे इस वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आया तो आपको इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए सम बेसिक रूल्स टू यूज फॉर मेकिंग प्लूरल नाउन फ्रॉम सिंगुलर नाउन, मतलब सिंगल से अगर बनाना होगा प्लूरल तो किस तरह बना सकेंगे। देखिए ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे कि यस अगर रख दिए तो प्लूरल बन गया ना, जिस तरह क्या हो गया कि बॉय का बॉयज हो गया है ना, क्लास का क्या होगा, क्लास का तो नहीं होगा, इसमें तो ई एस लगेगा। तो देखिए कुछ में हो क्या होगा कि अगर यस थप दें तो हो गया प्लूरल। उसी तरह देखिए आपको बताए थे तब कुछ देर पहले, अगर यस यस सी यस एक्स जेड और यस, देखिए अगर कुछ भी वर्ड का अंतिम में अगर यस यस है, अगर सी यस एक्स जेड और यस है तो हमेशा याद कीजिएगा क्या करना है, आपको ई एस डाल देना है उसके अंतिम में। फिर भी देखिए बात करेंगे, अगर कोई भी नाउन वॉवेल आए है, जैसे कि मान के चलिए वाई के अगर आगे सामने वॉवेल है, एग्जाम्पल आपको बता दें बी ओ वाई, देखिए वाई का सामने अगर वॉवेल है यानी कि ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक है तो आपको इसके क्या होगा कि बॉयज कर दीजिएगा, देखिए लास्ट में यस थप दीजिए। उसी तरह अगर देखिए वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब देखिए बात करेंगे आपको फ्लाई, फ्लाई तो क्या हो गया, फ्लाई मतलब हो गया पतंगे है ना, तो फ्लाइज कर दीजिएगा, आई ई एस कर दीजिए, फ्लाइज हो गया। उसी तरह देखिए आपको बताएंगे यफ यफ ई, अगर कोई भी वर्ड के अंतिम में अगर यफ यफ ई है तो उसको हटा कर क्या कीजिएगा, वी ई एस कीजिएगा। ओके आपको अभी एग्जांपल के जरिए बताएंगे, ये तो बस इसका रूल्स हो गया, आप समझ सकते हैं
इसको देखिए मिलने के लिए आप मेरा ब्लॉग स्पॉट है ये गूगल में, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आप किसी का लिंक रख देंगे, आप सर्च कर सकते हैं। उसी तरह देखिए अगर लास्ट में ओ आए तो हम यस कर सकते हैं। लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट आए, देखिए वॉवेल के बाद ओ आए तो यस, अगर कॉन्सोनेंट के बाद में ओ आए तो ई एस कर सकते हैं। आपको बताएंगे हर चीज़ों को विथ एग्जाम्पल। आइए जानते हैं एग्जाम्पल के जरिए। देखिए बच्चों एग्जाम्पल हर चीज़ के समझने के एक जरिया होता है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल अगर हम आपको कुछ भी बता दें तो आप कहेंगे क्या दे रहे हैं सर, आप एग्जाम्पल तो दीजिए थोड़ा। देखिए एग्जाम्पल में समझिए यस अगर काट देंगे तो प्लूरल बन जाता है। अगर समझिए अगर वॉवेल साउंड है कंसोनेंट इन फॉलोइंग, देखिए प्लूरल इफ द वर्ड एंड्स विद अ वॉवेल कंसोनेंट प्लस कंसोनेंट है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है वॉवेल है, यहाँ पे क्या हो गया कंसोनेंट, इसमें आप यस थाप सकते हैं। पेपर देखिए ये क्या हो गया, ये कंसोनेंट हो गया, ये क्या हो गया वॉवेल है, तो इसमें क्या सकते हैं आप यस कर सकते हैं। पेपर्स गर्ल का गर्ल्स, पेपर का पेपर्स कर सकते हैं। इसी तरह देखिए समझेंगे आगे, इफ नाउन एंड्स विद वॉवेल और इसके बाद में वाई है, अगर अंतिम का लेटर वाई उसके पहले अगर ए ई आई ओ यू में से वॉवेल कुछ भी है तो आपको आसानी से यस कर देना है। देखिए बी ओ वाई बॉय ना, देखिए टॉय, देखिए से सेज, रे का रेज हो गया, ले का लेज हो गया ना। इसी तरह अगर अंतिम में वाई है और बीच में वॉवेल एक आया है तो आपको यस करना पड़ेगा। और आगे देखे जाएंगे और आपको बताएंगे कि हर सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन बारे में आपको कोई भी दिक्कत ना हो उसके हर पहलू को समझेंगे। देखिए अगर कोई भी वर्ड के अंतिम लेटर में यस या सी या एक्स जे या यस आया है तो आपको क्या करना होगा, ई एस करना होगा लास्ट में। देखिए बुश क्या हो गया, बुशेस झाड़िया, क्रॉस क्रॉसेस, बेंच बेंचेस, देखिए बॉन्स बॉन्चेस, बॉक्स बॉक्सेस, सेक्स सेक्सेस यानी कि जेंडर्स, बुज बुजेज, क्विज क्विजेज। इन हर पहलुओं को आपको आसानी से समझना होगा। अगर इन लेटर अगर आपके किसी भी वर्ड के अंतिम में आएगा, देखिए अंतिम में आएगा तो आपको ई एस अपना ई एस एड करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे और कुछ जानकारी के साथ में। देखिए देखिए क्या है इसमें, बॉस का बॉसेस होगा, लॉस का लॉसेस। आगे समझिए देखिए आसानी तरीक़ा से, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको समझने के लिए समय चाहिए। देखिए फ्लाई पहले समझ, देखिए इफ नाउन एंड्स विद कंसोनेंट वाई चेंज टू आई, चेंज वाई इंटू आई ई एस, यानी कि अगर वाई के पहले का लेटर कंसोनेंट है तभी क्या था वॉवेल था, अब क्या है कंसोनेंट। देखिए वाई ये एल क्या है कंसोनेंट है ना, वाई डी क्या है कंसोनेंट है, ए वाई टी क्या है कंसोनेंट है, तो इसको y को हटा कर क्या कीजिएगा आई ई एस कीजिएगा। देखिए फ्लाई का फ्लाइज, देखिए लेडी का लेडीज, फैसिलिटी का फैसिलिटीज, मेजोरिटी का मेजोरिटीज, माइनॉरिटी का माइन, देखिए बच्चों माइनॉरिटी का क्या होता है माइनॉरिटीज, क्योंकि देखिए y का आगे का क्या है कंसोनेंट है ना t। इस तरह अगर देखिए अगर इस फॉर्मूले को आप समझ सकेंगे, देखिए y के पहले कंसोनेंट आएगा, ए ई आई ओ यू के बाद बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। देखिए 26 लेटर होता है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, उसमें से 5 को छोड़ दीजिए, 5 ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए तो बाकी सब कॉन्सोनेंट हो गया। देखिए तो कॉन्सोनेंट के बाद में अगर वाई आएगा तो इसको वाई हटाकर आई ई एस कर सकते हैं अगर आपको प्लूरल नाउन में ले जाना होगा तो। आगे बात करेंगे देखिए कुछ और जानकारी के टॉपिक्स के साथ में। देखिए कोई भी वर्ड के बाद में अगर याफ या याफी आता है, याफ या याफी, कोई भी वर्ड के अंतिम अगर लेटर याफ या याफी से जुड़ा हुआ है तो याफ याफी को हटाकर बी ई एस करना होगा। देखिए लाइफ को क्या हो गया लाइव्स, वाइफ का वाइव्स, अगर कोई आदमी दो से ज़्यादा वाइफ से शादी करता है तो क्या हो गया वाइफ्स हो गया ना, आई हैव फोर वाइफ्स, आई हैव टू वाइफ्स, हालांकि आप मत कीजिएगा। देखिए नाइफ नाइव्स, लीफ लीव्स, देखिए पत्ते का पत्ते है ना, नाइफ मतलब हो गया चाकू, नाइफ्स चाकू ज़्यादा चाकू, लॉफ हो गया ब्रेड लॉफ्स,
उल्फ हो गया जो जंगल में रहता है एनिमल, उल्फ का उल्फ्स हो गया। देखिए तो इन आपको क्या समझना है, अगर यफ ई और यफ आया है तो आपको बी ई एस में बदलना है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे आपको समझाएंगे विस्तार से, देखिए फिर भी समझिएगा। देखिए इफ नाउन एंड्स विथ कंसोनेंट, यानी कि देखिए अगर कंसोनेंट के साथ एंड हुआ है और यहाँ पे लास्ट में ओ है, कंसोनेंट के साथ एंड हुआ है और लास्ट में अगर ओ लेटर है तो आपको क्या करना है, ई एस कर देना है बस, और कुछ नहीं, खेल खत्म। देखिए पोटेटो क्या है लास्ट में, ओ है ना, यहाँ पे क्या है कंसोनेंट है, क्या करना है पोटेटोज कर देना है। देखिए टोमेटो ओ है, यहाँ पे टी है टोमेटोज। देखिए हीरो आर है ना, हीरोज। वोल्केनो ओ और एन है, वोल्केनोज। देखिए अगर अंतिम में ओ आया हो, अगर ओ के पहले अगर आपका कंसोनेंट आया है तो आपको ई एस कर देना है, बहुत ही आसान है। और देखिए आपको हर चीज़ का ग्रामर का कोई भी दिक्कत हो तो अगर आप नए हैं इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और हर दिन आपको नए नए वीडियोस ग्रामर करेंट अफेयर्स क्विज का क्वेश्चंस जीके क्वेश्चंस आपके हर क्लास 8, 9, 10, 11, 12 हर चीज़ का आपको मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर, इस मेरे चैनल पर। आप इसको हमेशा प्यार दीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।